हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। आज का जो वीडियो है वो है एक ट्रांसफार्मर वाला ऑटोमेटिक चार्जर। तो इसमें कस्टमर कह रही थी कि इसकी कांटा नहीं उठ रहे थे। तो कांटा नहीं उठ रहे की मतलब है एम्पियर नहीं दे रही है। तो इसको हमने देखा क्या फॉल्ट है। इसका फॉल्ट बहुत ही छोटा था तो हमको, लेकिन तो इसके एम्पियर नहीं आ रही थी। तो हमने देखा बारीकी से, एक दो घंटे के बाद तो देखा इसका जो आउटपुट वायर है, ये जो आउटपुट वायर है यहाँ से ये वाला जो पिन था ग्लास में, ये पिन क्या हुए थोड़ा सा ऐसी सटा हुई थी। तो उसके लिए हमको पता नहीं चल रही थी, वोल्टेज आउटपुट में दे रही थी लेकिन एम्पियर का ही नहीं दे रही थी, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चल रही थी। तो हमने कनेक्टर खोला तब पता चला। तो इस ऑटोमेटिक चार्जर को रिपेयर करने के लिए कुछ दिक्कत आती है टेक्नीशियन भाई को। क्या दिक्कत आती है कि इसके एम्पियर जब नहीं देगी, तो एम्पियर जब नहीं देगी तो उसके लिए आपको क्या किया दिखना पड़ता है। एम्पियर जब नहीं देगी तो उसके लिए आपको प्रीसेट वगैरह देखना पड़ता है, ये जो आईसी है आईसी वगैरह देखना पड़ता है। यहाँ पर दो एसटीआर लगा हुआ है, एसटीआर देखना पड़ता है, ये सेंसिंग आईसी है, तो ये सब चेक करना पड़ता है। तो अब हमने इस चार्जर को ठीक कर लिया है। तो आइए आप लोगों को लाइन देकर देखती हूँ। फैन भी चालू हो गया है, चार्जर भी चल रही है, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा चार्जर एम्पियर भी देने लग गया है, चल भी रही है, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।